नमस्कार साथियों, हम आपके सामने एक वीडियो लेके आए हैं। यह छोटा सा वीडियो होगा आपके लिए और यह एक जानकारी है। जानकारी क्या है, हमने एक वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया था कि सभी मीडिया हाउसेस, पेपर, न्यूज पेपर, बहुत सारे देश और बहुत सारे जैसे ऑस्ट्रेलिया के न्यूज पेपर के माध्यम से हमने समझाने का प्रयास किया था कि कोरोना वायरस जो है वह जो चाइना है 2015 से बना रहा था। तो इसी के क्रम में आगे बात करते हुए ये बातें कितनी सही है कितनी गलत है इसके बारे में जानकारी। जिससे कहने का मतलब ये है कि इससे पहले जो ट्रंप सरकार थी यूएसए में, यह जांच कराने के लिए, पता करने के लिए एक टीम भेजी थी चाइना। तो चाइना जो WHO के माध्यम से जो 9 फरवरी को आकर के अपना सूचना प्रसिद्ध किया कि जहां पर जो वायरस की स्थिति थी वुहान की बात करें तो वहां पर इन लोगों को जाने नहीं दिया गया और कोई भी जानकारी, कोई भी आंकड़ा इन लोगों को पूर्ण रूप से नहीं मिल पाया। मतलब कि ये पता नहीं चल पाया कि कोरोना वायरस कहां से निकल के आया। तो ट्रंप सरकार ने इस पर बहुत ज्यादा मतलब इसके पक्ष में रही कि किसी न किसी तरह से पता किया जाए कि कोरोना वायरस का ओरिजिन कहां से है। सभी देश चाहते थे कि पता किया जाए, चाइना कहीं ऐसा तो नहीं सबको क्या पीछे करने के लिए ऐसा काम कर रहा है। इसी क्रम में अब जो नए राष्ट्रपति हुए हैं अमेरिका के, जो बिडेन, उन्होंने भी उनके दिमाग में बात आई कि ऐसा किया जाए। और ऐसा किया जाए तो उन्होंने 22 मई को उन्होंने अपने यहां जो जांच एजेंसी है उसको आदेश दे दिया, पत्र के माध्यम से, लेटर के माध्यम से लेटर लिख करके ये बता दिया। मतलब बोला कि आप जांच करें कि जो कोरोना वायरस है इसका ओरिजिन कहां से, इसका निकला कहां से है। तो उन्होंने कहा कि जाओ तुम वहां पता करो। तो वहां जाने की बात करें तो वहां जाने के लिए इजाजत की बात करें तो इजाजत वहां पर कहा गया है कि ताइवान, कहा गया है कि एजेंसियां ताइवान के संपर्क में आएंगे। और ताइवान जो चाइना मानता है कि वो हमारा ही पार्ट है और वह चाइना है, तो कहा जा सकता है कि वह चाइना के अंतर्गत जा करके और उस चीज का जांच करके और तीन माह के अंदर इसके बारे में बताएगा कि क्या बातें हैं क्या नहीं, कहां से कोरोना वायरस का ओरिजिन हुआ है। इसी टॉपिक के बारे में बात हम कर रहे हैं आज, ओरिजिन ऑफ कोरोना वायरस। तो कहा जा रहा है कि जो अमेरिका के एक संक्रमण, कहा जा सकता है कि संक्रमण रोग विशेषज्ञ जो है एंथनी फाउसी, उन्होंने इसके बारे में जानकारी दिया जो कि ताइवान इसके बारे में जांच करेगा। मतलब ताइवान के लोग, मतलब जो भी एजेंसियां वहां जाकर के इसके बारे में पता करेगी कि वायरस का ओरिजिन कहां है। अब आप सोच सकते हैं कि भारत की स्थिति क्या है इसमें, भारत सरकार क्या सोच रही है। तो भारत सरकार ही नहीं, अन्य सभी देश चाहते हैं कि ये पता किया जाए कि कोरोना वायरस का ओरिजिन कहां से है, क्या चाइना वायरस बना रहा था या क्या बातें हैं इसके बारे में। तो भारत ऑफिशियल इस बात को कह दिया है कि हाँ, हम इसके समर्थन में हैं कि पता किया जाए कि कोरोना वायरस का ओरिजिन कहां है। छोटे से वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।